हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की कृपा से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, जो कि मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स जो मेरी वीडियो को देखते हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस चीज़ को लेकर। और कई बार मैं ये चीज़ें दूसरों से पूछती भी रहती हूँ कि मुझे ज़्यादा वोटिंग किस चीज़ की मिलती है। सो इन चीज़ों को लेकर मैं भी बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट करती रहती हूँ। सो आपको मेरा थंबनेल देख के और मेरा कैप्शन देख के पता चल ही गया होगा कि मेरी वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। सो जी हाँ, इस वीडियो में जो है बेबी प्रिडिक्शन करेंगे, तो 10 पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे कि मुझ में क्या क्या सिम्टम्स हैं और क्या होने के चांसेस हैं और क्या होगा, तो मुझसे रिलेटेड ये बात कितने परसेंट सच होती है। हालांकि ये बिल्कुल टोटली मिथ है, फेक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, तो इसका कोई भी ठोस प्रमाण नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा होगा तो आपको लड़की होगी, अगर ऐसा होगा तो आपको लड़की ही होगी, इसका कोई भी ठोस प्रमाण नहीं दिया गया है। बड़े बुजुर्ग जो हैं वो ऐसा प्रेडिक्शन करते रहते हैं कि ऐसा है तो इसको लड़का ही होगा, अगर ऐसा है तो इसको लड़की होगी, और अगर 3 से 4 बार ये चीज़ें सच हो जाती हैं तो लोग इसको ठोस प्रमाण भी मान लेते हैं कि अगर ऐसा होगा तो लड़की होगी, अगर ऐसा होगा तो लड़का ही होगा। एंड हाँ, आप इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और प्यार प्यार कमेंट्स पे ज़रूर करिएगा। और आप भी बताइएगा कि मुझे देख के आपको क्या लगता है। और ये जानने की क्यूरियोसिटी ना सब में होती है, चाहे वो आप खुद हो या आपके हस्बैंड हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हो, आपके कुलीग्स हो, मतलब कोई भी हो, या जो माँ बन चुकी होती हैं या माँ बनने वाली होती हैं, सब में इस चीज़ की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। मुझ में भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि हाँ, लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। तो चलिए अब बिना देर किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में पूरे 10 पॉइंट क्लियर करूँगी मैं कि अगर ये पॉइंट है तो ये लड़का होने के लिए है या लड़की होने के लिए है, कि मैं खुद पे आपको बताऊंगी कि लड़का होने वाला है या लड़की होने वाला। तो आज पूरे 10 पॉइंट क्लियर करूंगी मैं कि मेरे अंदर क्या सिम्टम दिख रहे हैं, वो पॉइंट लड़के को जाएगा या बेबी गर्ल को जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो तो पहला पॉइंट जो है वो है माँ की सुंदरता। कहा जाता है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी जर्नी में बहुत ज़्यादा ग्लो आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी स्किन निखर रही है, बहुत ज़्यादा आप सुंदर दिख रहे हो, आपके बाल हेल्दी हो रहे हैं, तो आपको बेबी बॉय होने के सिम्टम है। ये कहते हैं जब बेबी गर्ल होती है तो वो माँ की सुंदरता ले लेती है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा सुंदर दिखना होता है। तो कहा जाता है कि अगर आपकी सुंदरता कम दिखे, फेस डल दिखे, बहुत ज़्यादा एक्ने हो गए हो, ब्लैक स्पॉटिंग आ गई हो फेस पे, तो माना जाता है कि लड़की होती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहे हो तो कहा जाता है कि लड़का होता है। तो मुझे देख के बता सकते हैं आप कि मुझे क्या होने वाला है। तो अगर इस पॉइंट को देखूँ तो वैसे तो ये टोटली मिथ है, मेरे फेस पे कोई एक्ने वगैरह तो नहीं है, बाल भी ठीक हैं, मतलब वैसे तो लोग इस 9 महीने में बहुत ज़्यादा हेल्दी डाइट लेते हैं जिसकी वजह से उनकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, बाल भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो अगर इस पॉइंट को लेकर चलूँ तो मुझे लगता है कि मुझे लड़का ही होगा। सो अगर इस पॉइंट की बात करूँ तो मेरा स्किन भी ठीक है और मेरे बाल भी हेल्दी हैं, और वैसे तो ये सारा डाइट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कैसी डाइट ले रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं। इस टाइम पे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं वो हाई रिच प्रोटीन डाइट लेती हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन जो है और जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। तो अगर इस पॉइंट को देखूँ तो जी हाँ, ये पॉइंट बेबी बॉय को ही जाता है। तो चलिए अब दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि अगर आपका बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन हो तो बेबी बॉय होने के चांसेस होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका बहुत तीखा और चटपटा मतलब खाने का मन कर रहा हो तो आपको बेबी गर्ल होती है। सो मेरा जो तीखा खाने का मन करता है तो मैं बहुत ज़्यादा तीखा खाना खाती हूँ, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि मैंने इतना तीखा खाना कभी नहीं खाया जितना कि मैं अब खाती हूँ। तो अगर इस पॉइंट को प्रेडिक्ट करें तो मुझे लगता है कि हाँ, तो ये पॉइंट मतलब हम लड़की को ही देंगे। सो अब बात कर लेते हैं
पॉइंट नंबर थ्री की। तो कहा जाता है कि अगर आपके बेबी का हार्ट रेट जो है वो 140 या 140 के नीचे रहता है तो लड़का होता है, अगर 140 से ऊपर अबव जाता है तो कहा जाता है कि लड़की ही होती है। तो अगर मैं अपनी बात करूं कि मेरे बेबी का हार्ट रेट कितना आ जाता है, तो मेरे बेबी का हार्ट रेट 150 तक ही जाता है। तो जी हाँ, ये पॉइंट भी जाता है बेबी गर्ल को। तो अब बात कर लेते हैं पॉइंट फोर की। तो कहा जाता है कि जो आप अपने बेबी को मतलब ऊपर की तरफ कैरी कर रहे हो, अगर आपका पेट मतलब आपके पेट का आकार जो है वो बिल्कुल गोला है तो कहा जाता है कि बेबी बॉय होगा। अगर आप बेबी को नीचे की तरफ कैरी कर रहे हो तो कहा जाता है कि बेबी गर्ल ही होगी। तो मेरा पेट मुझे थोड़ा सा ऊपर को लगता है कि मैं कैरी कर रही हूँ उसको, तो ये पॉइंट भी जाता है बेबी बॉय को। तो अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर फाइव की। तो कहा जाता है कि जो नाभि के नीचे से मतलब जो एक लाइन होती है, एक लाइन का आकार होता है, अगर वो बिल्कुल सीधा जाता है तो कहा जाता है कि बेबी बॉय होगा, और अगर वो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा सा है तो कहा जाता है कि बेबी गर्ल ही होगी। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉइंट भी जाता है बेबी बॉय को, क्योंकि वो लाइन जो है वो बिल्कुल सीधा है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं मॉर्निंग सिकनेस को। मॉर्निंग सिकनेस की अगर बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस होती है, बहुत ज़्यादा लो फील होता है, मतलब पूरे 9 मंथ तक आपको वॉमिटिंग होती रहती है, सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, तो आपको बेबी गर्ल ही होती है। और अगर आपको बिल्कुल भी मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती है, इम्यूनिटी बिल्कुल ठीक रहती है, विल पावर बिल्कुल ठीक रहती है, तो कहा जाता है कि बेबी बॉय होगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे 3rd से 4th मंथ तक ऐसा लो फील होता था, वो भी क्योंकि मेरी डाइट के कारण, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस होती थी। तो एक दो बार मुझे वॉमिट हुआ है, पर टचवुड अब तक तो वैसे बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वॉमिट जैसी प्रॉब्लम मुझे बिल्कुल भी नहीं होती है। तो हाँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये पॉइंट भी जाता है बेबी बॉय को। तो बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 7 की। तो कहा जाता है कि अगर आपके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे रहते हैं, पूरे 9 मंथ तक बिल्कुल ठंडे रहते हैं, गर्म नहीं होते हैं, तो कहा जाता है कि बेबी गर्ल ही होगी। और अगर आपके हाथ पैर बिल्कुल गर्म रहते हैं तो कहा जाता है कि बेबी बॉय ही होगा। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे हाथ पैर बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, मतलब बिल्कुल भी ठंडे नहीं होते हैं, नॉर्मल जैसे होना चाहिए वैसे ही होते हैं, तो ये पॉइंट भी जाता है बेबी बॉय। सो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 की तरफ। कहा जाता है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके पार्टनर का वेट भी गेन हो रहा है तो ये पॉइंट भी जाता है बेबी गर्ल को। अगर मैं अपनी बात करूँ तो उनका वेट उतना ही है, तो ये पॉइंट जाता है बेबी बॉय को। तो अभी बचे हैं सिर्फ 2 पॉइंट्स, तो हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 9 की। कहा जाता है कि अगर आपका प्रेगनेंसी में मूड बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा है तो ये मतलब ऐसा माना जाता है कि आपका बेबी गर्ल ही होगी। कहा जाता है ना कि लड़कियों में बहुत ज़्यादा नखरा होता है, वो बहुत ज़्यादा ऐसे उनका मूड बहुत जल्दी स्विंग होता हो जाता है, तो उनको बेबी गर्ल होती है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा, जी हाँ, मेरा मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होता है, तो ये पॉइंट भी जाता है बेबी गर्ल को। हालांकि ये बिल्कुल टोटली मिथ है। अगर जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो उसकी पूरी 9 मंथ तक की जर्नी ऐसी होती है कि उसको बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, मतलब ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत आसान नहीं होता है, ये बहुत मुश्किल टाइम होता है, जिसमें मूड स्विंग होना एक नेचुरल सी बात होती है, तो सबका वो होता ही है। पूरे 9 मंथ की प्रेगनेंसी में मूड स्विंग होना बहुत ही कॉमन सी बात है, क्योंकि एक माँ की जो बॉडी होती है वो हर चीज़ के लिए, तो इसमें जो एक माँ होती है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है हर चीज़ को लेकर, उसके जो बॉडी हार्मोन्स होते हैं वो भी बिल्कुल चेंजेस होते हैं उसमें पूरी तरह से, तो मूड स्विंग होना इसमें बहुत कॉमन सी बात होती है। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो पूरी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि एक पार्टनर को, बिल्कुल सारी फैमिली को, चाहे आपके सास ससुर हो, चाहे आपके माँ बाप हो, मतलब सब लोगों को थोड़ा थोड़ा पैम्पर करना चाहिए। तो उस टाइम पे लड़की को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आप सब लोगों के साथ की, प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हो सकता है कि अगर आप उसको खुश रखेंगे तो उसका मूड भी बिल्कुल ठीक रहे।
हालांकि आपके आसपास के जितने भी लोग होते हैं सबको थोड़ा थोड़ा मतलब साथ देना चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा प्यार से रहना चाहिए सब मतलब सबके साथ। तो उसे अगर आप सपोर्ट करोगे सब लोग, तो हो सकता है कि उसका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो और आपका बेबी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, क्योंकि ये सारा कुछ डिपेंड करता है एक मदर के मूड पे। तो हालांकि पूरी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, तो पार्टनर को तो मैं क्या बोलूँ, पूरी फैमिली को ही सपोर्ट करना चाहिए, आपके आसपास जो लोग रहते हैं सबको सपोर्ट करना चाहिए। तो हो सकता है कि एक माँ जो बनने वाली है वो आप वो किसी पे मतलब बिना बात के गुस्सा करे, वो जिस पे भी गुस्सा कर रही है तो वो लोग मतलब उसको थोड़ा सपोर्ट करें कि हाँ इट्स ओके फाइन। तो आप लोग देखिएगा कि उसका कुछ देर बाद उसका मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो देखो वो आप वो थोड़ी देर बाद खुद नॉर्मल हो जाएंगी। तो अब बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर 10 की। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके हाथ पैर पूरे फूले फूले रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सूजन रहती है, बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, तो ये चांसेस हैं बेबी गर्ल के। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा हाथ पैर बिल्कुल भी बेवजह नहीं फूला है पूरी प्रेगनेंसी में। मतलब अभी मेरे को एट मंथ्स चल रहा है, तो मुझे 3 से 4 बार ऐसा फील हुआ है कि मेरे हाथ पैर थोड़े से मतलब स्वेल्ट लग रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा थकान लो फील हो रहा है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये पॉइंट जाता है बेबी बॉय को। तो आपके साथ मैंने क्लियर किए हैं पूरे 10 पॉइंट्स। तो अभी इसमें मुझे नहीं पता कि कितना सच होने वाला है कितना झूठ होने वाला है। तो ये बात तो मैं बेबी आने के बाद ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जो भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उसमें कितना चीज़ें मैच हुई हैं और कितनी चीज़ें नहीं मैच हुई हैं। तो इसके लिए तो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। तो जब मेरा बेबी आ जाएगा तो मैं डेफिनेटली आप सब लोगों के साथ एक वीडियो में इस टॉपिक्स को क्लियर करूंगी, कौन से सच हुए हैं और कौन से फॉल्स हुए हैं। अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं वो सच थी, या जो लोग मेरे आसपास थे वो कितने लोग मुझे बोलते थे कि लड़का होगा या लड़की होगी, कैसे मतलब ये सारी चीज़ें मैं एक फुल वीडियो लेकर आऊंगी आप सब लोगों के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। आई होप ये वीडियो आप सब लोगों को पसंद आया होगा। अगर हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ प्लीज़ मुझे प्यारे प्यारे नाम भी सुजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, तो बेबी जल्दी ही आने वाला है कुछ ही दिनों में। तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो आप लोग भी मुझे बहुत दिन से देख रहे हैं ना, तो आप लोग भी मुझे प्रेडिक्ट करके ये भी बताइएगा कि मुझे बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।